हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मुगल साम्राज्य से जुड़े 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। पर इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप पहली बार चैनल पर आएँ तो सब्सक्राइब करें ताकि आप कमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला प्रश्न है, भारत आने से पहले बाबर कहाँ का शासक था? ए फरगना, बी अफगानिस्तान, सी यूनान, डी अरब। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ए फरगना। फरगना मध्य एशिया में स्थित उज्बेकिस्तान देश का एक प्रांत है जो उस देश के सुदूर पूर्वी भाग की फरगना घाटी में स्थित है। तो दूसरे नंबर प्रश्न की ओर, अकबर टोडरमल के दीवाने अशरफ कब नियुक्त किया? ए 1582 ईस्वी में, बी 1583 ईस्वी में, सी 1584 ईस्वी में, डी 1585 ईस्वी में। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ए 1582 ईस्वी में। चलते हैं दोस्तों तीसरे नंबर प्रश्न की ओर, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया ये पश्चिमी, बी उत्तरी भारत में, सी पूर्वी भारत में, डी दक्षिणी भारत में। तो दोस्तों, इसका उत्तर वह डी दक्षिणी भारत में। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग दक्षिणी भारत में बिताया था। चलते हैं दोस्तों चौथे नंबर प्रश्न की ओर, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? ए बाबर, बी अकबर, सी शेरशाह सूरी, डी बलबन। तो दोस्तों, इसका उत्तर वह ए बाबर। दोस्तों, बाबर का पूरा नाम जला जहीरुद्दीन मोहम्मद उर्फ बाबर था। बाबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक और पहले शासक थे। इनका जन्म मध्य एशिया के वर्तमान उज्बेकिस्तान में हुआ था। ये तैमूर और चंगेज खान के वंशज थे। चलते हैं दोस्तों पांचवें नंबर प्रश्न की ओर, अकबर ने दीन ए इलाही कब शुरू की? ये 1562 ईस्वी में, बी 1564 ईस्वी में, सी 1579 ईस्वी में, डी 1582 ईस्वी में। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा डी 1582 ईस्वी में। दोस्तों, अकबर ने यह महसूस किया कि सभी धर्मों का एक ही उद्देश्य है। उसने सभी धर्मों की अच्छी बातें लेने का मार्ग पकड़ा। इसी तरह सब धर्मों की अच्छी बातों को लेकर उसने दीन इलाही चलाया। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? ए अकबर, बी जहांगीर, सी औरंगजेब, डी शाहजहां। तो दोस्तों, इसका उत्तर वह डी शाहजहां। दोस्तों, शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी को हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि जहांगीर और जगत गोसाई जोधाबाई से हुई संतान शाहजहां को अकबर ने गोद ले लिया और उसे एक महान योद्धा बनाने में अकबर ने बड़ा योगदान दिया था। चलते हैं दोस्तों सातवें नंबर प्रश्न की ओर, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया? ए 1563 ईस्वी में, बी 1564 ईस्वी में, सी 1565 ईस्वी में, डी 1566 ईस्वी में। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ए 1563 ईस्वी में, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था। चलते हैं दोस्तों आठवें नंबर की ओर, किस मुगल शासक ने दास प्रथा समाप्त किया? ए बाबर, बी अकबर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा बी अकबर। दोस्तों, दास प्रथा मीन्स मानव समाज में जितनी भी संस्थाओं का अस्तित्व रहा है उसमें सबसे भयावह दासता की प्रथा है। मनुष्य के हाथों मनुष्य का ही बड़े पैमाने पर उत्पीड़न इस प्रथा में अंतर्गत हुआ। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, दीन इलाही संबंधित है बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी औरंगजेब। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा सी अकबर। दीन इलाही अकबर से संबंधित है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक नए शहर की नींव किसके सम्मान में रखी थी? ए बाबर, बी मोइनुद्दीन चिश्ती, सी सलीम चिश्ती, डी निजामुद्दीन औलिया। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा सी सलीम चिश्ती। दोस्तों, शेख सलीम चिश्ती एक सूफी संत थे। उन्होंने अकबर और उसके बेटे को आशीर्वाद दिया था कि भविष्य में सलीम जहांगीर के नाम से पहचाना जाएगा। चलते हैं दोस्तों 11वें नंबर प्रश्न की ओर, मुगल सम्राट अकबर का अभिषेक कब हुआ? ये 1530 ईस्वी में, बी 1545 ईस्वी में, सी 1556 ईस्वी में, डी 1566 ईस्वी में। दोस्तों, इसका उत्तर होगा सी 1556 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। चलते हैं दोस्तों 12वें नंबर प्रश्न की ओर, अकबर ने अपना मकबरा कहाँ बनवाया? ए दिल्ली, बी आगरा, सी सिकंदरा, डी फतेहपुर सीकरी। दोस्तों, इसका उत्तर होगा सी सिकंदरा। अकबर ने अपना मकबरा सिकंदरा में बनवाया था। चलते हैं दोस्तों 13वें नंबर प्रश्न की ओर, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? ए काबुल, बी गांधार, सी अमरकोट, डी थट्टा में। दोस्तों, इसका उत्तर होगा सी अमरकोट। अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। दोस्तों, अमरकोट एक नगर है जो सिंध अमरकोट जिला पाकिस्तान में स्थित है। चलते दोस्तों 14वें नंबर क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया? ए अकबर, बी जहांगीर, सी बाबर, डी हुमायूं। दोस्तों, इसका उत्तर होगा ए अकबर। दोस्तों, अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। अकबर तैमूरी वंशावली के मुगल वंश का तीसरा शासक था।
चलते हैं दोस्तों 15वें नंबर क्वेश्चन की ओर। जजिया समाप्त किस मुगल शासक ने किया? ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी जहांगीर। दोस्तों इसका उत्तर होगा सी अकबर। जजिया समाप्त अकबर मुगल शासक ने किया। चलते हैं दोस्तों 16वें नंबर प्रश्न की ओर। अकबर ने इबादत खाना किस वर्ष स्थापित किया? ए 1572 ईस्वी में, बी 1573 ईस्वी में, सी 1574 ईस्वी में, डी 1575 ईस्वी में। दोस्तों इसका उत्तर होगा बी 1573 ईस्वी में अकबर ने इबादत खाना स्थापित किया था। चलते हैं दोस्तों 17वें नंबर क्वेश्चन की ओर। फतेहपुर सिकरी को राजधानी किसने बनाया? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी बाबर। तो ए अकबर, फतेहपुर सिकरी को अकबर ने अपना राजधानी बनाया था। चलते हैं दोस्तों 18वें नंबर क्वेश्चन की ओर। किस मुगल शासक ने झरोखा प्रदर्शन की प्रथा की शुरुआत किया? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। दोस्तों इसका उत्तर हुआ ए अकबर। अकबर ने झरोखा दर्शन की प्रथा की शुरुआत की। चलते हैं दोस्तों 19वें नंबर प्रश्न की ओर। अकबर का संरक्षक कौन था? ए बैरम खान, बी अब्दुल रहीम, सी मुनीम खान, डी फैजी। दोस्तों इसका उत्तर होगा ए बैरम खान, अकबर का संरक्षक था। दोस्तों बैरम खान अब्दुल रहीम खाने खाना के पिता जाने माने योद्धक थे। वह अकबर के वजीर थे। वे तुर्किस्तान से आए थे। चलते हैं दोस्तों अपने आखिरी प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। अकबर निम्नलिखित में से किस राज्य पर अधिकार नहीं कर सका? ए मारवाड़, बी मेवाड़, सी जोधपुर, डी चित्तौड़। दोस्तों इसका उत्तर होगा बी मेवाड़। दोस्तों मेवाड़ राजस्थान के दक्षिण मध्य में स्थित एक रियासत थी।